नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, हमारे फार्म में कल यानी कि 2 अक्टूबर को चूजे आए हैं। 2 अक्टूबर को ही हैच डेट था इनका और रात में 10 बजे चूजे आए हैं। तो दोस्तों, हमने रात में तो इनको गुड़ पानी दिया था और अब सुबह का समय है। सुबह हमने इनको जो मेडिसिन दी है, हमने मेडिसिन के बारे में तो पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, पूरी सीरीज बनाई है 1 दिन से लेकर के 39 दिन तक, उसमें सारी जानकारी दी है। तो उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि 1 दिन से लेकर 39 दिन तक कैसा मैनेजमेंट रखना है और कौन सी मेडिसिन देनी है। लेकिन फिर भी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज मैंने इनको पहले दिन सुबह कौन सी मेडिसिन दी है। तो दोस्तों, ये है लियोफ्लॉक्सासिन 10% और सुगना कंपनी इसे अपने फार्मर को देती है। इसका नाम है लियोफ्लॉक्स एल। और दोस्तों, ये है सूजीविट SE। इसमें विटामिन ई और सेलेनियम होता है और ये सुगना कंपनी अपने फार्मर को देती है। तो आप लोग मल्टी विटामिन में अगर निजी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो विमराल दे सकते हैं इसकी जगह पर, और एंटीबायोटिक जो लियोफ्लॉक्स एल है वो मार्केट से ले सकते हैं, इनरोसिन के नाम से आती है। और इसकी डोज रहेगी 50-50 ml 1000 चिक्स पर। तो आज दिन में हमने इनको यही दिया है। और देखिए, रात में हमने यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया था। देखिए दोस्तों, सामने जिधर बर्ड नहीं है उधर से जो थोड़ी ठंडी हवा आती रहती है उसको रोकने के लिए हमने पर्दा लगा दिया था। तो नीचे से ऊपर 7 फीट तक पर्दा लगाकर हमने उधर की ठंडी को आने से रोकने के लिए पर्दा लगाया था। दोस्तों, आप लोग भी अब इस मौसम में जहाँ तक चूजे हों वहाँ पर एक पर्दा लगा दिया करिए ताकि बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगने पाए, जो फार्म खाली है उधर से हवा ना आने पाए। और इस समय देखिए दोस्तों, सुबह के 9:12 हो रहे हैं और टेम्परेचर है 90.4°F। दोस्तों, अभी दिन में तो बहुत गर्मी हो रही है और ये टेम्परेचर धीरे धीरे करके अभी ये 95, 96, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, हमें 90°F के आसपास टेम्परेचर रखना है। पहले दिन हमें 90°F के आसपास टेम्परेचर रखना चाहिए। और दोस्तों, ये देखिए जो चूजे हैं ये अभी देखिए आपस में चिपक कर बैठे रहते हैं, तो इनको समय समय पर डिस्टर्ब भी करते रहना चाहिए ताकि ये ठीक से फीडिंग करें और वाटर इंटेक करें। दोस्तों, फर्स्ट वीक में जितना ही ज़्यादा ये फीड खाएंगे और जितना ही ज़्यादा ये पानी पियेंगे उतना ही इनके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी और ये फिर लास्ट में इनका वेट भी बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों, हमें समय समय पर इनको डिस्टर्ब करते रहना है। और देखिए, हमने रात में तो जो फीड दिया था इनको पेपर पर दिया था, लेकिन सुबह हमने टर्बो फीडर लगवा दिए हैं और अब ये चिक्स टर्बो फीडर में भी फीडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय तो बहुत गर्मी हो रही है तो इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यानी आज तो अब 3 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर से अब मौसम बदलने वाला है, तो हमें किसान भाइयों को चाहिए कि हम मौसम के बारे में भी अपडेट रहें। इसीलिए दोस्तों, देखिए हमने जहाँ पर पर्दे एक साइड का जहाँ पर पर्दा फटा हुआ था वहाँ पर हमने दूसरा पर्दा भी लगा दिया है, यानी वहाँ पर डबल कर दिया है ताकि अगर मौसम कल से ख़राब हो और हवा चलने लगे तो फिर इसके अंदर हवा फार्म के अंदर हवा ना आने पाए। तो दोस्तों, यूपी में लखनऊ के आसपास मौसम 4 अक्टूबर से थोड़ा चेंज होने वाला है, तो जो टेम्परेचर दिन में 95-96 पहुंच रहा है ये टेम्परेचर कम रहेगा और हमें सावधान रहना है कि अगर कहीं बारिश के साथ में हवा चल गई तब टेम्परेचर फिर डाउन हो जाएगा और बर्ड को ठंड लग सकती है। इसलिए हमें पर्दे वगैरह सब सही से रखने हैं ताकि फार्म के अंदर हवा ना घुसने पाए। 1-2 दिन तक तो इनको डायरेक्ट हवा लगने से बचाना ही रहता है। दोस्तों, आप लोग भी अपने मैनेजमेंट पर खूब ध्यान दीजिए। जितना महत्व पोल्ट्री फार्मिंग में मेडिसिन का होता है उससे ज़्यादा मैनेजमेंट का होता है। अगर आप लोग मैनेजमेंट सही रखेंगे तब पोल्ट्री फार्मिंग में अधिक प्रॉफिट पाएंगे।
दोस्तों अभी थोड़ी देर में जैसे ही टेम्परेचर अब 90 से और आगे बढ़ेगा तब इधर के पर्दे ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा खोल दिए जाएंगे, जहाँ पर बर्ड नहीं है इधर खोल दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद में भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब जहाँ पर बर्ड हैं उधर के पर्दे भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोल दिए जाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ से पर्दे बंद रहेंगे ताकि बर्ड को डायरेक्ट ठंडी हवा भी ना लगने पाए और वेंटिलेशन भी बना रहे। तो दोस्तों हमने पिछली लॉट में अपने तो पूरी एक सीरीज बनाई थी 0 दिन से लेकर के 39 दिन तक। तो इस बार मैं प्रतिदिन का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि जिनको प्रतिदिन का वीडियो देखना है तो फिर देख ही सकते हैं। लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग में कोई दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक प्रॉफिट पाएँ। तो दोस्तों आप लोग कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।